मॉर्निंग गाइज, आज के दिन की शुरुआत हुई है भगवान के भजन से। अब मुझे जाना है कृष्णा के लिए लंच बनाने। मैंने कृष्णा का लंच बना लिया है। उसके लंच के लिए मैंने बनाई है बॉयल्ड आलू की सब्जी, जो कि कृष्णा को बहुत पसंद है, और पराठा। अब मैं जा रही हूँ झाड़ू लगाने के लिए। मैंने झाड़ू पोछा कर लिया है, सफाई भी कर दी है। अब मैं जाऊँगी नहाने। मैं नहा कर आ चुकी हूँ। अब मैं करने वाली हूँ थोड़ा सा काम किचन में। ये मैंने पम्पकिन ले लिया है, मैं इसको किसने वाली हूँ। इसको किस कर मैं बॉइल करूँगी, जिससे कि मैं कद्दू का रायता बनाने वाली हूँ। साथ ही बनाऊंगी मैं थोड़ी सी दाल। मेरे कद्दू को बॉइल करने रख दिया है। इसमें मैंने पानी बहुत कम डाला है, क्योंकि मैं इस पानी को रायते में यूज करने वाली हूँ। इसीलिए मैंने कद्दू को बहुत अच्छे से 2-3 बार वॉश करके तब बॉइल करने रखा है। इसमें मैं थोड़ा सा नमक भी ऐड करूंगी। मैं इसके पानी को फेंकती नहीं हूँ, क्योंकि सारे विटामिन्स तो पानी में हो जाते हैं ना उबलने के बाद। अगर अपन पानी निकाल देंगे तो इसके सारे विटामिन्स चले जाएंगे। आप लोग भी गर्मियों में पम्पकिन का यूज जरूर किया करें, क्योंकि ये विटामिन ए से भरपूर होता है। अगर आपको कद्दू की सब्जी पसंद नहीं है तो रायता बना सकते हैं। अगर रायता अच्छा नहीं लगता है तो एकदम सादी जैसा रायता बनाने के लिए, टेस्टी रायता बनाने के लिए आप कमेंट करें, मैं आपको रेसिपी शेयर करूंगी। मैं जो रायता बनाती हूँ कद्दू का, एकदम सादी वाला टेस्ट आता है, एकदम शानदार। अब मैं जा रही हूँ पूजा करने के लिए। ये तुलसी में पानी डाल रही हूँ। तुलसी में यह सूख गई हैं थोड़ी थोड़ी गर्मी के कारण। अब मैं पूजा करने आ गई हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।